चलिए मैं आपको एक सच्ची अपराध कहानी सुनाता हूँ जिसने एक पूरे शहर और उसके लोगों को बंधक बना दिया। यह अपराध सुलझाने में 40 साल लगे लेकिन अंत में न्याय किया गया। आज हम एक खूबसूरत महिला की दिल दहला देने वाली सच्ची अपराध कहानी के बारे में जानेंगे जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसके अपने ही घर में दुखद तरीके से उसकी जान ले ली गई और उसे खून से लथपथ छोड़ दिया गया। 1988 में 33 वर्षीय सिल्विया क्वेले डेनवर के दक्षिण में कोलोराडो के चेरी हिल्स विलेज में साउथ ऑगडन स्ट्रीट पर रहती थी। उन्हें इतिहास का अध्ययन करना बहुत पसंद था, खासकर वेस्ली क्वेले जो एक प्रसिद्ध वास्तुकार और सिल्विया के चाचा थे के काम की अनुसंधान करना। सिल्विया ने अपनी रुचि को वास्तुकला में मिलाकर अपने करियर में शामिल किया, एक वास्तुकला कंपनी में सहायक सेक्रेटरी के रूप में काम करते हुए। सिल्विया बहुत कलात्मक और महत्वाकांक्षी थीं, जिससे उन्हें एक ही नौकरी से संतुष्टि नहीं मिलती थी। उन्होंने अपने पाक पकाने के कौशल और नानपति कौशल का इस्तेमाल करके अपना खुद का व्यापार शुरू किया जो वेडिंग केक्स बनाने पर विशेषित था। उनके अन्य कलात्मक कौशलों में मिट्टी के बर्तन बनाना शामिल था और उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई थीं जो उनकी बहन आज भी महत्वपूर्ण मानती हैं। सिल्विया अपने परिवार के साथ बहुत करीब थी, जिसमें उनके माता पिता और उनकी छोटी बहन शामिल थी। उनके माता पिता का घर उनके घर से केवल लगभग 250 फीट दूर था और वह हर सुबह उनके साथ कॉफ़ी पीती थी। किसी कारण से सिल्विया अपने माता पिता के पास उनके साथ कॉफ़ी पीने नहीं गई। 4 अगस्त 1988 को उसे पिछली रात लगभग 11 बजे तक सुना गया था जब उसने अपनी बहन से फ़ोन पर बात की थी। 4 अगस्त को सुबह 8 बजे के ठीक पहले सिल्विया के पिताजी विलियम उनके घर पहुंचे। जब उन्होंने घर पर पहुंचा तो देखा कि तूफ़ानी दरवाज़ा और मुख्य दरवाज़ा दोनों खुले थे और वह बाहर से लिविंग रूम में अंदर देख सकते थे। उनकी बेटी का शव तुरंत फर्श पर दिखाई दिया। सिल्विया फर्श पर लेटी हुई थी, उसके पैर दरवाजे की ओर फैले हुए थे, वह गर्दन से ऊपर तक नग्न थी। उसकी लाल लंबी बाजू वाली शर्ट ऊपर खींची गई थी जिससे उसका चेहरा नाक से ऊपर तक ढका हुआ था और उसकी बाहें अभी भी उसके सिर के ऊपर के कपड़े में उलझी हुई थीं। उसके चेहरे के बाकी हिस्से और गर्दन को ढकने के लिए उसके ऊपर एक सफ़ेद तौलिया फेंका गया था। विलियम ने तुरंत मदद के लिए कॉल किया लेकिन वह सिल्विया के घर से नहीं कर सके क्योंकि किसी ने घर के अंदर फ़ोन लाइन काट दी थी और बाहर भी फ़ोन लाइनों को नीचे खींच दिया था। विलियम ने अपनी बेटी के चेहरे पर डाली गई तौलिए को हटाया ताकि पुलिस की आने से पहले उसकी बेटी को धंसा जा सके। उन्होंने उन्हें बताया कि वह पहले कैसे मिला था और फिर पुलिस ने सीन को ठीक से डॉक्यूमेंट करने के लिए तौलिए को उसकी मूल स्थिति में वापस ले जाया। सिल्विया का यौन उत्पीड़न किया गया, उसे चाकू मारा गया और गोली मार दी गई। उसकी गर्दन पर अंगुलियों के आकार के निशान बताते हैं कि उसके हत्यारे ने उसका गला घोंटने की भी कोशिश की थी। उसके हाथों और उंगलियों पर लगी व्यापक चोटों से पता चला कि सिल्विया ने आक्रामक तरीके से अपने हमलावर से लड़ने की कोशिश की थी। सिल्विया की मौत का कारण अंततः उसे चाकू से लगे 3 घावों के कारण हुई खून की कमी माना गया जो उसके दोनों फेफड़ों में उसके दिल में छेद कर गया था। तब उसके सिर के ऊपर 22 कैलिबर की बंदूक की गोली को उसकी मौत का दूसरा कारण माना गया। सिल्विया के शरीर से कुछ फीट की दूरी पर एक खून से सना चाकू और अंडरवियर का एक जोड़ा मिला। घर के सामने वाले दरवाजे के पीछे खून का एक छोटा सा पूल पाया गया था और बाद में अदालती दस्तावेजों में यह बताया गया कि सिल्विया के शयन कक्ष में तकिए पर काफ़ी मात्रा में खून पाया गया था। बिस्तर और शयन कक्ष के दरवाजे के बीच खून की बूंदें पाई गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि हत्यारे ने सबसे पहले सिल्विया के शयन कक्ष की खिड़की के माध्यम से घर में प्रवेश करने का प्रयास किया था। अधिकारी खिड़की के स्क्रीन के निचले कोने में काटे गए छेद के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे। साक्ष्य से संकेत मिलता है कि हत्यारे का घर में सफल प्रवेश बाथरूम की खिड़की से हुआ था। उस खिड़की से स्क्रीन हटा दी गई थी और खिड़की के नीचे एक प्राइम वर्क दिखाई दे रहा था। स्क्रीन घर से 50 से 75 गज की दूरी पर ऊंचे खरपतवार में फेंकी हुई पाई गई। कई वस्तुएं जो संभवतः बाथरूम के अंदर से थीं, जिनमें हेयर स्प्रे की एक कैन और 2 हेयर कलर शामिल थे, घर के बाहर बाथरूम की खिड़की के नीचे पाए गए। घटनास्थल पर कई साक्ष्य एकत्र किए गए जिनका उपयोग बाद में डीएनए के परीक्षण के लिए किया जाएगा।
इन वस्तुओं में सिल्विया के चेहरे के निचले हिस्से को ढकने वाला खून से सना तौलिया, ऑरेंज एरिया गलीचा जिस पर सिल्विया का शव पड़ा था, चाकू और उसके शरीर के पास पाया गया अंडरवियर शामिल था। इसके अलावा उसके शव परीक्षण के दौरान एक आंतरिक योनि स्वैब और सिल्विया के स्तनों से स्वैब लिया गया और संरक्षित किया गया। कुल मिलाकर मामले में 140 से अधिक साक्ष्य एकत्र और संरक्षित किए गए। इन सबूतों की जांच के लिए नई तकनीकों को लागू किया गया क्योंकि वे सिल्विया की हत्या के बाद के वर्षों में विकसित की गई थी। 1983 में सिल्विया की हत्या के 2 साल बाद फॉरेंसिक तकनीशियनों ने वैकल्पिक प्रकाश स्रोत के साथ उसके घर के कालीन की दोबारा जांच की। जब उन्होंने ऐसा किया तो वे गलीचे के उस क्षेत्र में विदेशी जैविक साक्ष्य की पहचान करने में सक्षम हुए जो उस जगह के करीब था जहां सिल्विया का शव मिला था। कालीन का यह खंड 1995 में परीक्षण के लिए कोलोराडो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को प्रस्तुत किया गया था। 5 साल बाद 2000 में सीबीआई कालीन से एक पुरुष डीएनए नमूना विकसित करने में सक्षम थी। हालांकि जब उन्होंने प्रोफाइल को एफबीआई के संयुक्त डीएनए इंडेक्स सिस्टम पर अपलोड किया तो खोज से कोई मिलान नहीं मिला। कानून प्रवर्तन द्वारा डीएनए परीक्षण के शुरुआती दिनों में प्रौद्योगिकी का उपयोग ध्यान आकर्षित करने वाले एक ज्ञात हत्यारे के कबूलनामे को बदनाम करने के लिए किया गया था। 1983 में जब उन्हें असंबद्ध आरोपों में जेल में डाल दिया गया था, ओटी तुले ने सिल्विया की हत्या करने का दावा किया और कथित तौर पर अपनी संलिप्तता साबित करने के लिए उसके घर के बाहर झाड़ियों और झाड़ियों का वर्णन किया। तुले और उनके आपराधिक सहयोगी हेनरी ली लुकास ने देश भर में किए गए 100 अपराधों की जिम्मेदारी ली। जाहिर तौर पर इसके कारण उन्हें बदनामी मिली और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम करने के दौरान उन्हें भोजन और सिगरेट जैसे लाभ मिले। उनके दावे काफी हद तक अस्वीकृत हो चुके हैं। अंततः टॉल पर सिल्विया की हत्या का आरोप लगाया गया, लेकिन 1993 में साक्ष्य के एक अन्य टुकड़े से डीएनए ने उसे सिल्विया के हत्यारे के रूप में बाहर कर दिया और आरोप हटा दिए गए। यदि आपने मेरा वीडियो पसंद किया हो कृपया उसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। भविष्य में इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जनवरी 2020 में चेरी हिल्स विलेज में पुलिस ने यूनाइटेड डेटा कनेक्ट के साथ काम करना शुरू किया, जो कि पूर्व डेनवर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मिच मॉरिसी द्वारा स्थापित कोलोराडो स्थित आनुवंशिक वंशावली कंपनी है। सार्वजनिक वंशावली डेटाबेस के लिए जेडमैच और फैमिली ट्री डीएनए का उपयोग करना। यूनाइटेड डेटा कनेक्ट पुलिस को किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान प्रदान करने में सक्षम था जो उसी वर्ष 26 मई को अपराध स्थल से डीएनए से मेल खाता था। इस व्यक्ति की ओर इशारा करने वाले वंशावली साक्ष्य के अलावा यूनाइटेड डेटा कनेक्ट इस बात का सबूत देने में भी सक्षम था कि वह सिल्विया की हत्या के पहले, उसके दौरान और बाद में चेरी हिल के गांव के ठीक पश्चिम में एंगलवुड शहर में रह रहा था, संभावित संदिग्ध कोर्ट में रह रहा था। उस समय नेब्रास्का वर्टिकल बार जनवरी 2021 में यूनाइटेड डेटा कनेक्ट के एक अन्वेषक ने इस व्यक्ति के डीएनए का एक नमूना गुप्त रूप से एकत्र करने की उम्मीद में नेब्रास्का की यात्रा की। उन्होंने उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के कूड़ेदान से 2 बैग कचरा निकाला जहां संभावित संदिग्ध रहता था। बैग में संभावित संदिग्ध को संबोधित मेल था जो यह दर्शाता था कि बैग में मौजूद वस्तुओं का मालिक वही व्यक्ति था। कूड़े के 2 बैगों से अन्वेषक 15 वस्तुएं प्राप्त करने में सक्षम था जिनमें संभावित संदिग्धों के डीएनए थे और उन्हें कोलोराडो में जिला अटॉर्नी के कार्यालय में सौंप दिया गया। फिर साक्ष्य को चेरी हिल्स विलेज पुलिस विभाग के एक साक्ष्य तकनीशियन के पास ले जाया गया। वस्तुओं को परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया था और कचरे के एक बैग में पाए गए वेनिला कॉक के एक कैन से एक पुरुष डीएनए प्रोफाइल विकसित की गई थी। यह सिल्विया की हत्या के बाद उसके शरीर और उसके घर से एकत्र किए गए सबूतों के कई टुकड़ों पर पाए गए डीएनए से मेल खाता था। 10 फरवरी 2021 को सिल्विया की हत्या के लगभग 40 साल बाद 62 ये बूढ़े डेविड डी डुआने एंडरसन को नेब्रास्का में गिरफ्तार किया गया था और सिल्विया के मामले के संबंध में प्रथम हरित हत्या के 2 मामलों का आरोप लगाया गया था। एक गिनती ने आरोप लगाया कि सिल्विया को विचार विमर्श के बाद मार दिया गया था और दूसरे ने आरोप लगाया कि उसे एक अन्य अपराध के दौरान मार दिया गया था। हत्या के समय एंडरसन सिर्फ 22 साल का था। हालांकि उसे कभी भी हिंसक अपराधों के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया था, फिर भी उसका आपराधिक रिकॉर्ड था। 1981
और 1986 के बीच उन्हें वाणिज्यिक और आवासीय चोरियां करने के लिए 8 अलग अलग मौकों पर गिरफ्तार किया गया था। एक आवासीय चोरी के दौरान वह शयन कक्ष की खिड़की का पर्दा हटाकर घर में दाखिल हुआ था। एंडरसन जांचकर्ताओं के साथ एक साक्षात्कार के लिए सहमत हुए, जिसके दौरान उन्होंने सिल्विया क्वेले को जानने से इनकार किया और कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनका DNA उनके घर में कैसे पहुंचा। एंडरसन का पहला मुकदमा 2022 के मार्च में शुरू हुआ। शुरुआती बयानों के दौरान एंडरसन की बचाव टीम ने तर्क दिया कि उसने और सिल्विया ने सहमति से यौन संबंध बनाए थे, जिससे घटनास्थल के कई सबूतों पर उसके वीर्य की मौजूदगी के बारे में बताया गया। उसका DNA सिल्विया के स्तन से लिए गए स्वाब में पाया गया था और उसके योनि स्वाब में पाए गए वीर्य में उसके शरीर के पास कालीन पर और तौलिए पर पाया गया था, जिसमें सिल्विया का खून भी था जो उसके चेहरे पर छोड़ा गया था। किशोरों ने यह भी सुझाव दिया कि असली हत्यारा सिल्विया का एक अपमानजनक प्रेमी था, जिसने उसकी हत्या से कई साल पहले उसके साथ बलात्कार किया था और उसे पीटा था। उसने उस समय अपने परिवार से कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो वह जिम्मेदार होगा। एंडरसन के वकीलों ने दावा किया कि सिल्विया के परिवार के एक सदस्य द्वारा उसके बारे में बताए जाने के बावजूद पुलिस ने प्रेमी को संदिग्ध के रूप में गंभीरता से नहीं लिया था। सिल्विया ने इस आदमी को कई वर्षों तक डेट किया था और उसकी हत्या से कई महीने पहले उन्होंने एक दूसरे को फिर से देखना शुरू कर दिया था। कथित तौर पर प्रेमी का DNA अंततः सिल्विया के घर में पाए गए चाकू पर पाया गया, लेकिन उसके शरीर के पास पाए गए खूनी चाकू पर नहीं। सिल्विया के शरीर पर या उसके आसपास पाए गए सभी विदेशी DNA नमूने एंडरसन के थे। एंडरसन के DNA का सिल्विया के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई मेल नहीं था, जिसका खून उस तौलिए पर पाया गया था जिसमें एंडरसन का नाविक भी था। 5 दिनों के विचार विमर्श के बाद जूरी ने घोषणा की कि वे सर्वसम्मत फैसले पर नहीं पहुंच सकते, जिसके कारण पीठासीन न्यायाधीश ने गलत मुकदमे की घोषणा की। कुछ महीने बाद जून 2022 में एक नया मुकदमा आयोजित किया गया। 30 जून 2022 को एक जूरी ने एंडरसन को प्रथम हरित हत्या के दोनों मामलों में दोषी पाया। एंडरसन को 4 अगस्त को सजा सुनाई जानी है, जबकि वर्तमान कोलोराडो राज्य कानून प्रथम डिग्री हत्या के लिए सजा के बाद पैरोल की अनुमति नहीं देता है। एंडरसन को हत्या के समय मौजूद दिशा निर्देशों के तहत सजा दी जानी है, जिसका अर्थ है कि भले ही उसे आजीवन कारावास की सजा मिलती है, वह 20 साल के बाद पैरोल के लिए पात्र होगा। सिल्विया के माता पिता अपनी बेटी के हत्यारे की पहचान और उसे दोषी पाते देखने के लिए जीवित नहीं रहे। विलियम क्वेले का 1999 में निधन हो गया और मैरी क्वेले का एक दशक बाद निधन हो गया। सिल्विया की बहन और जीजाजी अंततः यह जानने में सफल रहे कि 4 दशक से भी पहले सिल्विया को किसने उनसे छीन लिया था। एंडरसन की सजा के बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जॉन केलनर ने कहा, इस फैसले से उन सभी लोगों को आशा मिलनी चाहिए जो अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और किसी भी हत्यारे के लिए जो अभी भी सोचते हैं कि वे बच गए हैं। जान लें कि हम अभी भी आपके लिए आ रहे हैं।